फ्रंट हुक स्लीवलेस ब्रा। तो अब आप देख सकते हो मैंने दोनों पार्ट्स को कपड़े पे कटिंग कर लिया है। और कपड़े पे देखिए कैसे, ये क्वार्टर इंच एक्स्ट्रा, ये क्वार्टर इंच एक्स्ट्रा, बाकी आपको पूरा बराबर ही कटिंग करना है, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी सिलाई भी कट लेते हैं, इसको हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। ये आपका पैटर्न हो गया है। अब इसको आपको एक पार्ट्स को लेना है और इसका एक पार्ट्स लेना है। ठीक है, यहां से जॉइंट रह गया। ये पार्ट्स इस तरफ होगा और ये इसकी जो नेकलाइन है आपको इसको इस तरह से रख करके आमने सामने होनी चाहिए दोनों नेकलाइन, इस तरह से। ये देखिए, ये इस तरफ है, इसको हम इस तरफ कर देते हैं, ये इस तरफ होगी, तो इसका जो पार्ट्स है वो इस तरफ अटैच होगा। तो अब हम इसकी ये वाली सिलाई कर लेते हैं और इसकी ये वाली सिलाई कर लेते हैं। सिलने के बाद देखिए आपके जो कप्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। अब आपको नीचे से थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही होंगी, इसको आपको बाद में अब फिनिशिंग करना है। कैसे करना है देखिए, स्केल लीजिए और आपको ऐसे इसको सीधा रखना है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उसको आपको ऐसे फिनिशिंग देनी है, नहीं तो क्या है आपकी ये वाली पट्टी बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने इसको बराबर में ही कटिंग किया था, पहले से ही इसको इस तरह से कट कर देते ना, जैसे कि मैंने अभी आपको पेपर में दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने ये वाली आपको बताई थी कि यहां से इतना कम कर लेते हैं, यहां से इतना कम हो जाता है, तो ये वाला पूरा यहाँ पे ऐसे तिरछा नहीं आता। जैसे ये देखिए, ये वाला पार्ट था ना, तो इसको इतना हमें यहाँ पे कम करना होता है। तो यहाँ पे अब हम इसको कम कर लेते हैं क्योंकि हमने पेपर पे कम नहीं किया था, तो इसको आपको ऐसे कम कर लेना है, इस तरफ से भी और फिर इस तरफ से भी। ये लीजिए, ये आपका जो आगे का जो पैटर्न है बिल्कुल से परफेक्ट और बहुत बढ़िया बनेगा। अब तो इसी तरह से मैं इसको पहले फिनिश कर लेती हूँ, स्केल रखेंगे और वैसे ही। तो देखिए वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा, जब आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत सारी एनर्जी भी मिलती है। तो ये इस तरफ से और इसका ये वाला पार्ट इस तरफ से हम कट कर देते हैं। ये लीजिए, अब फर्स्ट में ये वाली सिलाई होती है प्रिंसेस कट की, ये वाली, और सेकंड में ये नीचे की पट्टी अटैच करके फिर आपको इसको इतना नीचे से फोल्ड करना है, फिर आपको इसके ऊपर ऐसे स्टिचिंग लेनी है, ऐसे फोल्ड करके। ठीक है, सकते हैं मैंने नीचे की पट्टी को भी लगा करके और फोल्ड कर दिया है और इसको भी मैंने फोल्ड कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बराबर कर लेती हूँ। अब हम अपनी दोनों पट्टियों को चेक कर लेते हैं कि ये बिल्कुल बराबर है ना, तो ये बिल्कुल बराबर है, हल्का सा ऊपर से ये थोड़ा सा नेक लाइन बड़ा है, तो ये जब हम फोल्ड करेंगे इनको तो ये सही हो जाएगा। तो इसको आपको इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करना है, इसको भी और इसको भी ऐसे आप फोल्ड करके इस तरफ और इस तरफ फोल्ड करके इसको एक सिलाई लगा दें। तो इसको हम अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो मैंने इस साइड को फोल्ड कर दिया है और इस साइड को भी फोल्ड कर दिया है, सेम यही प्रोसेस मैंने इस तरफ भी कर दी है, यहां से ऊपर तक मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब हम यहाँ पे एक तरफ हुक की पट्टी और एक तरफ आई की पट्टी लगा लेंगे। तो ये साइड मैं हुक की पट्टी लगा रही हूं और एक साइड पे मैं आई की पट्टी लगा रही हूं। हुक की पट्टी को हम डबल फोल्ड करके लगाएंगे ऐसे, और आई की पट्टी को हम सिंगल लगाएंगे और अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे, नीचे के एक्स्ट्रा नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे, ऊपर से एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। देख सकते हैं मैंने हुक और आई की पट्टी लगा ली है। अब ये है हमारा बेक का पार्ट और बेक के पार्ट्स को हमें इस तरह से नीचे से फोल्ड करना है, ऊपर से फोल्ड करना है, और अब हमें इसको यहाँ पे ऐसे स्टिच करना है। इसकी कटिंग की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको नीचे लिंक दूंगी, उससे आप कटिंग की वीडियो देख सकते हैं। तो आपको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसके एक सिलाई निकालनी है, सेम इसी प्रोसेस से इस साइड को भी आपको यहाँ पे ऐसे एक सिलाई लगानी है।
तो आप देख सकते हो मैंने बैक साइड का पार्ट इस तरफ भी स्टिच कर लिया है और इस तरफ भी स्टिच कर दिया है। अब आपको ऊपर के जो बेल्ट है वो लगाने हैं कि आपको ये जो बेल्ट है वो कितना लगाना है यहाँ से यहाँ तक। तो आपको इसको ये ऐसे चेक करना है, देखिए जैसे एक पार्ट्स में आपको बता देती हूँ, इसको हटा देते हैं, ये पार्ट्स हमारा मिडिल सेंटर तक आता है, देखिए बिल्कुल बराबर में ही बहुत अच्छी बनी है। अब आपको इस तरह से जो आपने बेल्ट तैयार किया है वो लेना है और यहाँ पे आपको ऐसे रख के इसको चेक कर लेना है कि आपको कितना चाहिए, जितना आपका ये जो लेंथ कवर करिए बराबर है, उसके बाद में जितना आपको चाहिए उतना। ये देखिए ये मैंने सिलाई के लिए नीचे एक्स्ट्रा ले लिया है, यहाँ पे मैं इसको बराबर रखते हुए जो एक्स्ट्रा उसको मैं कट कर देती हूँ। और अब हमें इसको एक सिलाई यहां से ज्वाइंट कर देना है, एक सिलाई से यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। तो इस तरह से आपका बैक का बेल्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। और सेम इसी प्रोसेस से बिल्कुल बराबर मेजर करते हुए, देखिए नीचे से मेजर किया, ऊपर से पूरा बराबर में मेजर किया और फिर बेल्ट लगा देना है। आप देख सकते हैं मैंने ये वाला बेल्ट इस तरफ लगा दिया, ये वाला बेल्ट इस तरफ अटैच कर दिया है और हमारी जो ब्रा है वो कम्प्लीटली रेडी हो गई है। तो अब ये हम यहाँ पे हुक और आई लगा लेते हैं और फिर हम आपको इसको वो दिखाते हैं कि ये देखिए किस तरह से इसका जो कप्स है बहुत ही बढ़िया बनकर के रेडी हुआ है। तो आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।